स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में शो के जनरेशन लीप के बाद रेखा ने उठाया शो की कहानी का पर्दा। लीप के बाद नए प्रोमो को देख फैंस ने किया ऐसे रिएक्ट। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी। स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल शो गुम है किसी के प्यार में एक बार फिर आ गया है लाइमलाइट में। शो की जनरेशन लीप का पहला प्रोमो रिलीज हो गया है और इस प्रोमो को रिलीज होते ही लगातार फैंस की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा ने किया है शो की कहानी को लेकर बड़ा खुलासा। आपको बता दें आने वाली जनरेशन लीप के बाद विराट और सई की एक बार फिर कहानी इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। जैसा कि आपको पता होगा सई हमेशा से ही प्यार में गुम रही लेकिन सई को कभी भी वो प्यार नसीब नहीं हो पाया जो कि विराट से मिलना था। विराट पाखी के पीछे पागल था और सई विराट के पीछे, ऐसे ही कुछ फिर से एक बार फिर कहानी देखने को मिलने वाली है। रेखा ने साफ कर दिया है कि अब इस शो में वैसी ही कहानी को दोहराया जाएगा लेकिन नए चेहरे के साथ, नए किरदार के साथ। यहाँ पर अब सई की बेटी सावी की इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमने वाली है जिस कैरेक्टर में शक्ति अरोरा, भाविका शर्मा, सुमित सिंह जैसी एक्ट्रेस नजर आएंगे। तो ये है वो नए कैरेक्टर और नई कहानी जिसको लेकर एक बार फिर इस शो के लिए फैंस एक्साइटेड हैं। और आपको बता दें जैसे ही ये प्रोमो सामने आया है एक तरफा फैंस ये भी कह रहे हैं सैराट को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कुछ लोग हैशटैग नो सैराट नो गुम है किसी के प्यार में ट्रेंड चला रहे हैं। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन, आप कितने एक्साइटेड हो 20 साल के जनरेशन लीप के बाद इस शो को लेके, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।